गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। हम पार्ट तीन शब्द विचार पढ़ रहे थे हिंदी वन का। हिंदी वन से पार्ट तीन शब्द विचार पढ़ रहे थे, जहाँ पर पेज नंबर 18 पर हूँ मैं, 18 पर, जहाँ हम तत्सम शब्दों के तद्भव रूप पढ़ेंगे। तो तत्सम बताया था कि संस्कृत के शब्द हैं, और तद्भव जो हैं वो हिंदी का रूप है। तत्सम को हिंदी रूप में जो लिखा जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। चंद्र, चांद, पंच, पांच, सप्त, सात, अष्ट, आठ, अग्नि, आग, सूर्य, सूरज, हस्त, हाथ, नासिका, नाक, मस्तक, माथा, पितृ, पिता, कर्म, काम, क्षेत्र, खेत, घृत, घी, निंद्रा, नींद, अग्र, आगे, शिक्षा, सीख, मयूर, मोर, कूप, कुआं, भ्रमर, भंवरा, कोकिल, कोयल, उच्च, ऊंचा, पौत्र, पोता, पुत्र, पुत, जिह्वा, जीभ, भगिनी, बहन, अक्षी, आंख, भ्रातृ, भाई, मक्षिका, मक्खी, शत, सौ, हस्ती, हाथी। तो जो शत जो है उसको हिंदी में सौ, 100 जो होता है उसको 100 को सत कहते हैं संस्कृत में। चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं देशज शब्द। देशज शब्द वो होते हैं बच्चों, जैसे हम समय के साथ में आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों का निर्माण करते हैं समय समय पे। जैसे हमारी ज़रूरत होती है, हमने पहिया बनाया, हमने लकड़ी के और सोफे और चेयर बनाए, डेस्क है, डस्टर है, ये सारी चीज़ें हमने समय के साथ में इनको बनाया है और उसका नाम दिया है। तो हिंदुस्तान में हिंदी में जो शब्द हैं उसने जैसे जैसे विकास किया वैसे वैसे उसने बनाया। जैसे थैला है आपका, मटका है जिसको घड़ा भी कहा जाता है, लोटा है, खिड़की दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। जैसे कि आप देखिए, टाटा ने नैनो जब बनाया था तो उसका नाम नैनो पड़ा था। तो नैनो नाम लेते ही हमें पता चल जाता है कि टाटा नैनो की बात हो रही है। तो समय से, और वो उसी नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो इसी तरह से आगे, तो जिन शब्दों का विकास हिंदी में हुआ है और वे किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जो शुद्ध हिंदुस्तान के शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए पगड़ी, थैला, डिबिया, लोटा, घड़ा, मटका, ये इसमें नहीं दिया है, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं, खिड़की आदि। विदेशी शब्द, जैसे जैसे हमारे देश में दूसरे लोग या तो शासन करने आए या घूमने आए, उस समय भी लोग घूमने आया करते थे, जैसे आज हम जाया करते हैं, तो उस समय भी आया जाया करते थे और वहाँ से अपनी चीज़ें लेकर आते थे। काजू है, बादाम है, पिस्ता है, ये सब चीज़ें, काली मिर्च हैं, ये सब चीज़ें वहाँ से आई है। आलू बाहर के देश से आया है, तो वो लोग जो कहते थे उसको हमने उसी रूप में अपना लिया। तो इसी तरह से जैसे जैसे अन्य हम पर शासन करते चले गए या हमारे देश में आक्रमण किया या घूमने आए, तो उन्होंने जो भी चीज़ें इस्तेमाल की उन चीज़ों का विकास हमारे देश में हुआ और फिर उसको वही नाम दिया गया, उसी शब्द से पुकारा गया। तो समय समय पर हम भारतीयों का संपर्क विदेशियों से हुआ, उनके संपर्क में आने से हमारे संपर्क का मतलब वही है, या तो वो हम पे आक्रमण करके आए या हमारे देश में घूमने के पर्यटन की दृष्टि से आए थे, टूरिस्ट बनकर। तो भाषा पर भी उसका प्रभाव पड़ा तथा अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ गए, जो विदेशज शब्द कहलाए, यानी विदेशी शब्द कहलाए। इस प्रकार जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण दिए हुए हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं
स्कूल, कॉलेज, गैस, पेंसिल, पोस्ट कार्ड, डॉक्टर, मशीन आदि। फ्रेंच भाषा की आई हैं कूपन, कर्फ्यू, जैकेट, कारतूस। चीनी भाषा की लीची, रिक्शा, चाय, पटाखा। अरबी भाषा के जो शब्द हैं अमीर, कलम, कानून, इरादा, फकीर, गरीब, किताब। फारसी शब्द जो हैं वो हैं अनार, चालाक, चश्मा, ज़मींदार, दुकान, बीमार, नमूना। पुर्तगाली शब्द भी आए हैं क्योंकि पुर्तगीज़ भी हमारे देश पर आए थे। तो गमला, गिरजा, चाबी, पपीता, अनानास, बाल्टी और आदि शब्द जो हैं वो हमारे यहाँ पर आए हैं। तुर्की भाषा के शब्द जो हैं वो है कैंची, चाकू, तोप, बेगम, बहादुर, चम्मच आदि। ठीक है, इसी तरह से संकर शब्द हैं जो कि हमारे इसमें आई हैं, जो कि हिंदी और अन्य जो विदेशी भाषा है दोनों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है, वो शब्द हमारी भाषा में चलते हैं। तो जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बने हैं, दो भाषाओं, संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से, एक हिंदी शब्द से और एक विदेशी शब्द जो है उन दोनों को मिलाकर बनाया गया है, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है टिकट, टिकट अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है और वो बन गया है शब्द टिकट घर। आगे है डाक, डाक अंग्रेजी है और खाना फारसी शब्द है, दोनों को मिलाकर बना है डाक खाना। इसी तरह से है अणु, संस्कृत का शब्द है और बम अंग्रेजी का शब्द है, बन गया अनुबम। जन्म संस्कृत का शब्द है और दिन हिंदी का, और नाम हो गया जन्मदिन। पहले जन्मदिन नहीं हुआ करते थे, बाद में जन्मदिन मनाया जाना बहुत ज़रूरी हो गया। हम लोग भी नहीं होंगे, नहीं मनाएंगे जन्मदिन, बर्थडे तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे। गुब्बारा, जितना बड़ा बर्थडे का गुब्बारा नहीं होता है उससे बड़ा तो मुंह का गुब्बारा होता है। आगे है दूसरा भाग है इसमें रचना के आधार पर। रचना के आधार पर मतलब जो हम शब्द लिखकर या किसी तरह से उसको बनाते हैं, उसकी रचना करते हैं, खुद शब्दों को मिलाकर इस तरह से रचना की जाती है, रचना करने वाले शब्द होते हैं। तो हिंदी भाषा के सभी शब्दों को उनकी रचना के आधार पर तीन भागों में हमने बांटा है हमारे संस्कृत के व्याकरण के जानकारों ने। तो उसमें तीन भाग हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ का मतलब होता है जैसा कि वैसा, जिसके और हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग होते होते निश्चित हो गए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, यानी कि उससे हमारे हमें पहचान हो जाती है। बकरी को बकरी कहेंगे, गधे को बकरी और बकरी को गधा नहीं कहा जाएगा। वो चलता चला आया, भैंस को भैंस ही कहेंगे, उसको गाय नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो गाय अलग होती है, भैंस अलग होती है, तो उनको एक नाम दे दिया। गुलाब का फूल अलग है और मोगरे का फूल अलग है। गुलाब फूल हैं, दोनों फूल ही, लेकिन गुलाब गुलाब है और फूल मोगरा मोगरा है। तो जिसको एक नाम दे दिया गया है कि इसका ये नाम है, दो नाम मिलाकर नहीं बनाए गए हैं, वो रूढ़ शब्द होते हैं और उसकी पहचान उसी से ही होती है। जैसे यहाँ पे दिया है चंद्र, भ्राता, वृक्ष, पुष्प, ये ऐसे शब्द हैं जो कि इनकी अपनी एक पहचान है। ये सारे शब्द जो हैं रूढ़ शब्द में आते हैं। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब ही समझ में आ रहा है, योग यानी जोड़ना। तो जहाँ पर जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, यानी उसमें कई सारे शब्दों का मेल होता है। जैसे यहाँ पर दिया है देशभक्त,
दो शब्द से मिलकर बना है, देशभक्त, देश जमा भक्त, देशभक्त। पुस्तक अलग शब्द है और आलय अलग शब्द है, तो पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय एक अलग ही अर्थ दे रहा है, ठीक है, क्यों पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी हो गई है, तो पुस्तक किताब है और आलय घर है, तो जहाँ किताबों वाला घर जो है वो क्या हो गया, पुस्तकालय। पाठशाला, पाठ यानि पढ़ना पढ़ाई, और शाला यानि क्या होता है, स्थान जगह, तो जहाँ पढ़ाया जाता है या पढ़ाने का जो स्थान है वो क्या बन गया, पाठशाला। रसोई घर, रसोई जमा घर, रसोई यानि भोजन होता है और घर यानि मालूम है आपको आवास निकेतन, तो वो जगह जहाँ पर खाना बनाया, भोजन बनाया जाता है, यानी रसोई घर। तो इस तरह से दो शब्द, दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाए हैं और उसका अर्थ अलग है, उसका वो एक अलग अर्थ दे रहा है, तो वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। आगे है योग रूढ़ शब्द तीसरा, जिन शब्दों में रूढ़ या यौगिक दोनों प्रकार के शब्दों की विशेषता हो। रूढ़ शब्द की शब्द ये है कि उसकी अपनी पहचान है, अगर हम कहेंगे गांधी, महात्मा गांधी, तो एक पहचान हो गई है महात्मा गांधी, वो एक पहचान हो गई है, ताजमहल एक पहचान हो गया है कि ये इस ताजमहल की ये पहचान है, ठीक है। तो इसी तरह से जो इसमें योग रूढ़ शब्दों में क्या दिखता है कि एक तो उसमें ये भी दिखता है कि उसकी एक अपनी पहचान है शब्दों की, उसको उसी अर्थ में लिया जाता है, और दूसरा ये कि अनेक शब्दों के मेल से बना हुआ है। जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं, जिन शब्दों में रूढ़ तथा यौगिक दोनों प्रकार के शब्दों की विशेषता हो, अर्थात जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं पर किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ एक ही है, उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। जैसे फूल को फूली कहेंगे, उसको फल नहीं कहा जा सकता है, बकरी को बकरी कह सकते हैं, गधा नहीं कह सकते हैं, गधा गधा है और बकरी बकरी है, ठीक है। तो इसी तरह से कि उस शब्द का जो अर्थ है वो वही रहेगा, उसकी पहचान उसी से होगी, बेशक वो कई शब्दों के मेल से मिलकर बना है, इसलिए इसे योग रूढ़ कहा गया है। जैसे उदाहरण यहाँ दिया है पंकज, पंकज अर्थात कमल, तो पंक यानि कीचड़ होता है, ज यानि जमना होता है, तो कमल हो गया। हिम प्लस हिमालय, तो हिमालय क्या हो गया है, पर्वत विशेष हो गया। जैसे कि एक और मैं आपको इसमें उदाहरण दे देती हूँ इसके अंतर्गत, कि कहा गया है कि दस सिर हैं जिसके, दस सिर दशानन किसके हैं, दस सिर हैं जिसके, जोड़कर एक शब्द बनाया है दशानन, और दशानन किसकी पहचान है, रावण की पहचान है। इसी तरह से कहा जाता है पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, तो पता है विष्णु जी कृष्ण जी क्या है, पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो पीतांबर अगर हमने कहा है तो पीतांबर, पीतांबर हो गया, पीला है वस्त्र जिसका, पीतांबर यानि कि विष्णु जी हो गए, ओके। तो इसी तरह से हम लेते हैं कि नील कंठ, नीला है कंठ जिसका, एक ही का कंठ नीला है, किसका है, शिव जी का है। ऐसे ही हमने लिया त्रिनेत्र, त्रिनेत्र एक तीन नेत्र, तीन नेत्र त्रिनेत्र बनाए, यानी कि तीन नेत्र हैं जिसके, कौन है वो, शिव जी हैं। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, उदर यानी पेट, लंबा उदर है जिसका, लंबोदर कौन है, लंबोदर श्री गणेश। तो इस तरह से एक से दो, दो से अधिक शब्दों के मेल से एक शब्द बना है, लेकिन वो अर्थ किसी और को प्रकट करता है, उसका एक, उस शब्द का एक अर्थ विशेष है, इसीलिए इस शब्द को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है।
आगे दिया है कि हमने इसमें पढ़ा कि कीचड़ में जन्म लेने वाली हर चीज़ को पंकज नहीं कहते हैं, पंकज शब्द केवल कमल पुष्प के लिए ही प्रयोग में आता है, इसलिए ये रूढ़ हो गया है। उसी प्रकार हर बर्फ को पर्वत, हर बर्फ के पर्वत को हिमालय भी नहीं कहा जाता है, नहीं तो पूरे विश्व में, दुनिया भर में सब जगह हिमालय ही होगा, हिमालय केवल हिंदुस्तान में है। तो हिम आले जो है दो शब्दों से बना है, लेकिन हिमालय का मतलब है कि सिर्फ एक हिमालय जो कि हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान का, भारत का ताज है, यह भी एक पर्वत विशेष का नाम है। इसी प्रकार योग रूढ़ शब्द हैं दशानन, पीताम्बर, जलज आदि शब्द जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों मैं आज इसको यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो फिर डाउनलोड नहीं होगा। ओके, तो ये दो पेज आज हमने यहाँ पे पढ़े हैं, कल अगले क्लास में हम फिर दो पेज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रश्नोत्तरों का हम समाधान करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और काम करिए, किताब पढ़िए।